जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर के महेश नगर से लापता बच्चियां मिल गई हैं। जयपुर पुलिस ने दोनों बच्चियों को दस्तयाब कर लिया है। जयपुर पुलिस को लखनऊ में बड़ी सफलता मिली है। दोनों बच्चियों को ढूंढ निकाला गया है। पुलिस की टीम दोनों बच्चियों को लेकर जयपुर आ रही है। करीब 50 दिन से दोनों बच्चियां लापता थी। लखनऊ शहर में मार्केटिंग का काम कर रही थी। घर घर जाकर दोनों लड़कियां सामान बेच रही थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने यह जानकारी दी है। तो बड़ी सफलता मिली है जयपुर पुलिस को। करीब 50 दिन से लापता दोनों बच्चियों को ढूंढ निकाला है पुलिस ने। और शरद पुरोहित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिल रहे हैं। शरद, एक बड़ी कामयाबी फिलहाल मिली है पुलिस को। 50 दिन से बच्चियां लापता थी यार, आखिरकार कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल, ये दोनों बच्चियां घर से स्कूल के लिए निकली थी, रात में स्कूल नहीं पहुंच करके ये दोनों बच्चियां लापता हो गई थी। पुलिस लगातार अलग अलग जगह बच्चियों की तलाश कर रही थी। अलग अलग कई टीमें बना करके दिल्ली भेजी गई, कानपुर भेजी गई, लखनऊ भेजी गई, अलग अलग शहरों में टीमें भेजी गई थी, लेकिन बच्चियों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद में यहाँ देखा गया कि वकीलों की ओर से जयपुर में प्रदर्शन भी किए गए, रास्ते भी जाम किए गए, लेकिन बच्चियों का कोई पता नहीं लग पाया था। डीजीपी एमएल लाठर की ओर से इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया था। एसआईटी के अंदर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा सहित अलग अलग आईपीएस अधिकारियों को, आरपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया और जिम्मेदारी दी गई कि इन बच्चियों का पता लगाया जाए कि आखिर बच्चियां कहां गई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो इनके देखे गए थे जयपुर रेलवे स्टेशन पे दिखाई दे रही थी, अलग अलग शहरों में दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ में कोई दूसरा व्यक्ति इनके नहीं था, जिसके चलते लगातार आशंका जताई जा रही थी कि कोई व्यक्ति इनको किडनैप करके लेके नहीं गया बल्कि खुद ही अपनी मर्जी से गई है। और फिर बाद में वहां पर कुछ फुटेज अभी सामने आया, कुछ तस्वीरें सामने आई जिसके अंदर ये बच्चियां मार्केटिंग करते हुए नजर आ रही थी, घर घर जाकर कुछ सामान बेचते हुए नजर आ रही थी, जिसमें पुलिस को ये आशंका लगी कि ये बच्चियां अपनी मर्जी से वहां पर जाके सेल्स करने का काम कर रही है, लोगों के घरों पर जाकर सामान बेच रही है। लखनऊ पुलिस की सहायता ली गई और दोनों बच्चियों को वहां से दस्तयाब कर लिया गया। अब जो पुलिस की टीमें हैं दोनों बच्चियों को जयपुर लेकर आ रही है। इसके बाद में जरूर जयपुर पुलिस प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले की जानकारी देगी कि आखिर 50 दिनों तक बच्चियां, क्योंकि शरद अगर देखें पूरे मामले को लेकर सवाल बहुत सारे हैं कि बच्चियां आखिरकार खुद लखनऊ पहुंची या किसी की मदद से, और कई नाम भी ऐसे सामने आ रहे थे जो कि काफी सवाल खड़े कर रहे थे। शिक्षिका का नाम सामने आ रहा था। क्या कुछ लगता है कब तक आखिरकार जयपुर पुलिस पहुंच जाएगी दोनों बच्चियों को लेकर, और कब तक जो प्रेस वार्ता है ये हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी लेना भी अभी बाकी है? देखिए, अभी पुलिस अधिकारी वीसी के अंदर शामिल हैं। तमाम कमिश्नर की बात करें, एडिशनल पुलिस कमिश्नर की बात करें, सभी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद में इसको लेकर वो घटनाक्रम को लेकर ब्रीफ करेंगे, जानकारी देंगे सारी चीजों को लेकर के कि क्या बच्चियों को ले जाने में किसी की भूमिका थी या बच्चियां खुद अपने तरीके से गई है या कोई इनकी मदद करने के अंदर शामिल था। इन सारी चीजों को लेकर जानकारी पुलिस की ओर से दी जाएगी। तो फिलहाल वहां से टीमें हैं जो बच्चियों को लेकर रवाना हो गई है। जल्दी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टीमें आज रात तक या कल मॉर्निंग तक यहाँ पहुंच जाएगी जयपुर के अंदर बच्चियों को लेकर के। लेकिन उससे पहले ही पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के सामने जरूर रखेगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ होगा, अब तक बच्चियां किसकी सहायता से गई होगी या सारी चीजें इन्होंने अपनी मर्जी से ही यहाँ पर इस मामले में की है। क्योंकि अधिवक्ताओं का जो प्रदर्शन था वो काफी दिनों से चल रहा था, पुलिस की कार्यशैली पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। अब जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, बच्चियों को ढूंढ निकाला है पुलिस ने, तो क्या कुछ अब तक परिजनों की पर प्रतिक्रिया आई है? फिलहाल अभी की ये बात है, परिजनों की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया है नहीं। परिजन खुद पुलिस से जानकारी लेना चाह रहे हैं इस मामले के अंदर, लेकिन पुलिस अधिकारी जिस तरह से मैंने बताया बैठक में मौजूद हैं, तो पुलिस अधिकारियों की खुद की अभी परिजनों से बातचीत नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले ही कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट पहले ही ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि इस तरह से पुलिस ने वहां से बच्चियों को दस्तयाब कर लिया है। क्योंकि मॉर्निंग के अंदर आज की बात करें तो बच्चियों की कुछ फोटोज पुलिस को मिली थी, जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये बच्चियां घरों पर जाकर के सेल्समैन का काम करती हुई नजर आ रही है, कुछ सामान बेचती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें ही आज सुबह पुलिस को मिली थी और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर फिर बाद में पुलिस सक्रिय हुई। देखा गया कि लखनऊ में कहां कहां जाकर के ये बच्चियां सामान बेच रही है, मार्केटिंग का काम कर रही है। बिल्कुल शरद, इंतजार है पुलिस की प्रेस वार्ता का, और उसके बाद ही कई जो सवाल उठ रहे थे वो भी साफ हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें कि जो बच्चियां काफी दिनों से गायब थी, आखिरकार लखनऊ में उन दोनों बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और जल्द ही जयपुर लेकर पुलिस इन्हें पहुंचेगी। और चलिए फिलहाल